रैंडी ओटन, ट्रिपल एच, बटिस्टा, रिक फ्लेयर, बैबली वसन, WWE के ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन में से एक, कैसे ये एक दूसरे के साथ आए और कैसे एवोल्यूशन फ्रैक्शन खत्म हो गई और 2014 में ऐसा क्या हुआ कि ये चारों फिर से एक साथ आ गए, जानेंगे एवोल्यूशन की पूरी जर्नी स्टोरी टाइम के पहले एपिसोड में। 2002 में ट्रिपल एच ने अपना टाइटल डिफेंड किया रॉब वन डैन के अगेंस्ट और ऐसा लग रहा था कि ट्रिपल एच अपना टाइटल लूज कर देंगे, तभी रिक फ्लेयर आ जाते हैं और वो रॉब वन डैन पर अटैक कर देते हैं और डिस्ट्रैक्शन की वजह से ट्रिपल एच अपना टाइटल रिटेन कर लेते हैं और फिर रिक फ्लेयर ट्रिपल एच के मैनेजर बन जाते हैं और फिर बटिस्टा जो स्मैकडाउन में पहले थे वो रॉ में ड्राफ्ट हो जाते हैं और फिर रिक फ्लेयर बटिस्टा के मैनेजर बन जाते हैं। January 20, 2003 के रॉ पर ओटन अपनी शोल्डर इंजरी से वापस आए और वो भी ट्रिपल एच, रिक फ्लेयर और बटिस्टा के साथ ज्वाइन होकर स्कॉट स्टाइनर के ऊपर अटैक कर दिए। अब तक इस ग्रुप का कोई नाम नहीं था। दो हफ्ते बाद रॉ पर प्रोमो कट करते हुए ट्रिपल एच ने इस ग्रुप का नाम दिया एवोल्यूशन। इस ग्रुप में थे लेजेंड रिक फ्लेयर जो कि को रिप्रेजेंट करते थे और ट्रिपल एच जो कि करंट टाइम को रिप्रेजेंट करते थे और बटिस्टा एंड रैंडी ओटन फ्यूचर के सुपरस्टार, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, द एवोल्यूशन। इस खतरनाक स्टार्ट के बाद अनफॉर्चुनेटली फरवरी 2003 में बटिस्टा एंड ओटन दोनों इंजर्ड हो गए, लेकिन फ्लेयर और ट्रिपल एच एक साथ अभी भी थे। मई 26, 2003 के रॉ के एपिसोड पर ओटन मास्क पहनकर वापस आए और उन्होंने केविन नैश और शॉन माइकल पर अटैक कर दिया और ट्रिपल एच और फ्लेयर के साथ फिर से जुड़ गए। बैड ब्लड 2003 पर ओटन के इंटरफेरेंस की वजह से फ्लेयर ने शॉन माइकल को हरा दिया और वहीं पर ट्रिपल एच ने केविन नैश के खिलाफ अपना टाइटल सक्सेसफुली रिटेन कर लिया। जून 2003 में ये दिखाया गया कि एवोल्यूशन केन को अपने साथ शामिल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ पर तो मैच ही कंफर्म हो गया, केन वर्सेस ट्रिपल एच टाइटल वर्सेस मास्क का मैच। जून 23, 2003 के रॉ पर केन ट्रिपल एच से मैच हार गए और वो लेजेंडरी मोमेंट देखने को मिला जहाँ केन अपना मास्क निकाल दिया। अनफॉरगिवन 2003 पर ओटन ने माइकल्स को हराया और वहीं ट्रिपल एच गोल्डबर्ग से अपना टाइटल हार गए। सितंबर 29, 2003 के रॉ पर ट्रिपल एच ने अनाउंस किया कि जो भी गोल्डबर्ग पर अटैक करेगा उसे $1,00,000 दिया जाएगा। अक्टूबर 20, 2003 के रॉ पर बटिस्टा वापस अपना रिटर्न किए और वो गोल्डबर्ग पर अटैक कर दिए और वो इनाम भी क्लेम कर लिए। ये सारे लोग एक होकर कई बार गोल्डबर्ग के ऊपर अटैक किए। सर्वाइवर सीरीज 2003 पर टीम फेस ऑफ वर्सेस टीम ऑस्टिन का मैच हुआ जहां पर टीम फेस ऑफ के लिए रैंडी ओटन मैच जीत गए। वहीं गोल्डबर्ग ट्रिपल एच के खिलाफ अपना टाइटल रिटेन कर लिए। 2003 एवोल्यूशन के लिए यादगार रहा जहां डकलीज को हराकर बटिस्टा और फ्लेयर टैग टीम चैंपियन बने, रॉब वन डैन को हरा कर ओटन इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियन बन गए और ट्रिपल एच ने केन और गोल्डबर्ग के खिलाफ ट्रिपल थ्रेट मैच में जीत कर वापस वर्ल्ड चैंपियन बन गए और एवोल्यूशन के पास टैग टाइटल, इंटर कॉन्टिनेंटल टाइटल और वर्ल्ड टाइटल एक साथ आ गए थे। फ्लोर नंबर 2004 पर टेबल्स मैच में डडलीज के खिलाफ फ्लेयर और बटिस्टा ने अपना टाइटल रिटेन किया। रेसलमेनिया 20 में हमें एक यादगार मैच देखने को मिला, मिक फोली और रॉक फिर से एक साथ जुड़ गए मगर एवोल्यूशन ने रॉक एंड शॉक को हरा दिया। वहीं ट्रिपल एच अपना चैंपियनशिप हार गए। बैकलैश 2004 पर हमें इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए ओटन वर्सेस कैक्टस जैक के बीच एक खतरनाक मैच देखने को मिला, वहीं ट्रिपल एच अपना टाइटल नहीं जीत पाए और रिक फ्लेयर सेंट्रल बेंजामिन के खिलाफ भी अपना टाइटल हार गए। बैड ब्लड 2004 पर हमें ट्रिपल एच और शॉन माइकल की राइवलरी का एंड देखने को मिला। यहाँ एक यादगार हेल इन अ सेल मैच में ट्रिपल एच ने शॉन माइकल को हराया। वेंजेंस 2004 पर ओटन अपना टाइटल इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल एज से हार गए और उनका 7 मंथ का लंबा टाइटल रेन खत्म हो गया। उन्हें ट्रिपल एच फिर से चैंपियन बनने में नाकाम रहे। समरसलैम 2004 पर ओटन यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियन बने। अगले दिन रॉ पर हमें वो आइकॉनिक सेगमेंट देखने को मिला जहां पहले तो ऐसा लगा कि एवोल्यूशन ओटन की जीत सेलिब्रेट करने आई है, बटिस्टा ने ओटन को अपने कंधों पर उठा लिया था, तभी अचानक से ट्रिपल एच ने थम्स अप से थम डाउन कर दिया और बटिस्टा ने ओटन को नीचे पटक दिया और एवोल्यूशन ने ओटन पर अटैक कर दिया। अगले हफ्ते रॉ पर ट्रिपल एच ने मांग की ओटन सही चीज करे और अपना टाइटल मुझे दे दे। ओटन ने मना किया और ट्रिपल एच के मुंह पर थूक दिया। 2004 पर एवोल्यूशन की मदद से ट्रिपल एच फिर से एक बार वर्ल्ड चैंपियन बने और ये देखना शॉकिंग था कि इतनी जल्दी ओटन को हरा देना। सर्वाइवर सीरीज 2004 पर ट्रेडिशनल सर्वाइवर सीरीज एलिमिनेशन मैच में टीम ओटन ने टीम ट्रिपल एच को हराया के बाद December 6, 2004 के रॉ पर ट्रिपल थ्रेट मैच में डबल पिन होने की वजह से वर्ल्ड टाइटल वीकेट किया गया और न्यू ईयर्स रिवॉल्यूशन पर एलिमिनेशन चैंबर में चैंपियनशिप मैच रखा गया। न्यू ईयर्स रेवोल्यूशन 2005 पर एलिमिनेशन चैम्बर में लास्ट 3 रेसलर बचे थे, ट्रिपल एच, रैंडी ओटन और बटिस्टा। ओटन ने आरकीओ की मदद से बटिस्टा को एलिमिनेट कर दिया मगर बटिस्टा की मदद से ट्रिपल एच ने ओटन को हराकर फिर से ट्रिपल एच एक बार वर्ल्ड चैंपियन बन गए। January 10, 2005 की रात पर बटिस्टा को हराकर ओटन रॉयल रंबल के लिए नंबर 1 कंटेंडर बने। इसके बाद बटिस्टा रॉयल रंबल में एंटर करना चाहते थे लेकिन ट्रिपल एच रॉयल रंबल में उनकी एंटर नहीं करने दे रहे थे बल्कि उनसे ये कह रहे थे कि तुम ये फोकस करो कि मैं कैसे अपना वर्ल्ड टाइटल रिटेन करूं।
बटिस्टा ने मना कर दिया और रॉयल रंबल में नंबर 28 पर एंट्री करके लास्ट कंटेंडर सीना को एलिमिनेट करके वो रॉयल रंबल जीत गए। वहीं ट्रिपल एच ओटन के खिलाफ उन्हें टाइटल डिफेंड करने में कामयाब रहे। ओटन और ट्रिपल एच का फ्यूड यहीं पर एंड हो गया। रॉयल रंबल के बाद ये दिखाया गया कि ट्रिपल एच ये कोशिश कर रहे थे कि बटिस्टा स्मैकडाउन के चैंपियन जेबीएल को चैलेंज करे, उनको नहीं, और ट्रिपल एच बटिस्टा को जेबीएल के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहे थे। ट्रिपल एच ने एक वीडियो भी प्ले कर दिया जिसमें जेबीएल बटिस्टा को गाली देते नजर आए। फिर ट्रिपल एच की चाल को बटिस्टा समझ गया और एक यादगार सेगमेंट के दौरान बटिस्टा ने रेसलमेनिया 21 पर ट्रिपल एच को मैच के लिए चैलेंज किया। रेसलमेनिया 21 में ट्रिपल एच को हराकर बटिस्टा वर्ल्ड चैंपियन बने और हमें इन दोनों का यादगार फ्यूड देखने को मिला। बैकलैश में फिर बटिस्टा ने ट्रिपल एच को हराकर अपना टाइटल रिटेन किया और फाइनली बेंजेन 2005 पर हेली नेसल मैच में ट्रिपल एच को हराकर बटिस्टा ने इस फ्यूड को एंड किया। बेंजेन 2005 के बाद ट्रिपल एच 4 महीने के लिए ब्रेक पर चले गए। इसी बीच रिक फ्लेयर फेस बन गए और कार्लिटो को हराकर 2005 पर इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बन गए। अक्टूबर 3 2005 के रॉ होमकमिंग के एपिसोड पर ट्रिपल एच रिटर्न्ड और फ्लेयर के साथ टैग टीम में उन्होंने मास्टर्स और कार्लिटो को हराया। मगर मैच के बाद शॉकिंगली एक ब्रूटल तरीके से ट्रिपल एच ने फ्लेयर पर अटैक कर दिया, क्योंकि ट्रिपल एच एवोल्यूशन के दोनों मेंबर बटिस्टा और ओटन से तो फ्यूड कर चुके थे और तीसरा मेंबर तो बचा था भी ना, रिक फ्लेयर। टापो ट्यूसडे पर शॉकिंगली फ्लेयर ने ट्रिपल एच को स्टील के मैच में हराया। फाइनली सर्वाइवर सीरीज पर लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच में ट्रिपल एच ने फ्लेयर को हराया और ये फ्यूड खत्म हो गया और साथ ही में एवोल्यूशन भी। दिसंबर 10 2007 के रॉ पर हमें काफी समय बाद एवोल्यूशन के चारों मेंबर एक साथ देखने को मिले, जहां पर फ्लेयर, बटिस्टा और ट्रिपल एच एक टीम में, ओटन, ओमेगा और एच दूसरी टीम में थे। सही मायने में उनका रियूनियन हुआ अप्रैल 2014 में, जब ट्रिपल एच, रैंडी ओटन और बटिस्टा एक साथ आ गए एवोल्यूशन को रिफॉर्म करके शील्ड को टक्कर देने। इसके बाद एक्सट्रीम रूल्स पे बैक पर एवोल्यूशन ने शील्ड का सामना किया मगर वो शील्ड को हराने में नाकामयाब रहे। इसके बाद स्मैकडाउन के 1000वें एपिसोड पर एवोल्यूशन हमें रिंग में दिखा, जहां ट्रिपल एच और बटिस्टा का फ्यूड शुरू हुआ जिसका एंड रेसलमेनिया 35 में हुआ, जो बटिस्टा का लास्ट मैच था। ये थी पूरी एवोल्यूशन की स्टोरी। और मैं एक चीज बताना चाहता हूं आपसे, मेरे पास तो अभी टाइम नहीं था तो जिसकी वजह से मैंने ये रेसलिंग स्टोरीज चैनल से कॉपी किया है, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम नहीं और मुझे कहीं जाना है और वीडियो डालना था जिसकी वजह से मैंने ये कॉपी कर लिया। तो प्लीज आप लोग रेसलिंग स्टोरी भाई के चैनल को जाकर चेकआउट जरूर कर लेना। और दूसरा एपिसोड किसके ऊपर चाहिए वो बता देना, मैं रिसर्च करके प्रॉपर आपके लिए वीडियो बना दूंगा। और ये एपिसोड हर मंडे आता रहेगा।